हमारे लास्ट लेक्चर के पार्ट में हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को एलिबरेट किया था। अब प्रेजेंट का दूसरा टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस करेक्शन की नज़र से देखते हैं। अगर किसी सेंटेंस में लफ्ज नाउ आ जाए, नाउ आ डेज आ जाए, दीज डेज, एट प्रेजेंट, टुडे या टू नाइट, इनमें से कोई भी एक लफ्ज आ जाए वो करेक्शन की नज़र से प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फिक्रा होगा। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि लेक्चर को सुनते हुए इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आप बाद में नोट कर लीजिएगा ताकि आपके वो लॉन्ग लाइफ नोट्स बन जाएं। मिसाल के तौर पे ही डैश टू अस टू नाइट, ही डैश टू अस टू नाइट, ऑप्शन ए कम्स, ऑप्शन बी इज कमिंग, ऑप्शन सी हैज कम और ऑप्शन डी वुड कम। तो टू नाइट प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हिंट है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज आर एम के साथ ING वाली फॉर्म यूज की जाती है, तो ही इज कमिंग टू अस टुनाइट इसका दूसरा ऑप्शन होगा। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। अगर किसी सेंटेंस में लफ्ज नेवर, एवर, येट, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, सो फार, अप टू नाउ, किसी इनमें से कोई भी एक लफ्ज आ जाए किसी फिक्र में वो प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्रा होगा। मिसाल के तौर पर दे डैश मी रिसेंटली, ऑप्शन ए इनफॉर्म्ड, ऑप्शन बी will inform, ऑप्शन सी have informed और ऑप्शन डी reform informs। तो अगर इनमें से कोई भी एक लफ्ज़ आ जाए किसी सेंटेंस में तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। अब जो मैंने एग्जाम्पल दिया इसमें रिसेंटली लफ्ज़ है, इट मीन्स कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्र हैज़ have के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसका दुरुस्त ऑप्शन होगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के दो हिंट हैं। अगर किसी फिक्र में सिंस का लफ्ज आ जाए या फॉर का लफ्ज आ जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा होता है। इसमें हैज बीन, हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज किया जाता। अब हम पास्ट के पहले टेंस की तरफ आते हैं। पास्ट का पहला टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर किसी फिक्र में लफ्ज लास्ट आ जाए, यस्टरडे आ जाए, अर्लियर आ जाए या लफ्ज अगो आ जाए या एनी पास्ट इवेंट विद रेफरेंस टू टाइम, यानी माजी के किसी वाक्य का जिक्र हो, यानी ऐसा सेंटेंस जिससे पता चल रहा हो कि ये पास्ट में हुआ था, तो फिक्रा पास्ट इंडेफिनिट का होगा। मिसाल के तौर पे आई डैश माय फ्रेंड्स टू डेज अगो, ऑप्शन ए मीट, ऑप्शन बी विल मीट, ऑप्शन सी मेट, ऑप्शन डी हैड मेट। अगो पास्ट इंडेफिनिट का हिंट है। पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंसेस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। करेक्शन के नजर से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को आप कैसे पहचानेंगे? अगर सेंटेंस के पहले हिस्से में वेन के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो आगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज होगा। ये एग्जाम्पल सुन लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा साथ में कि वेन आई रीच्ड देयर, वेन आई रीच्ड सेकेंड फॉर्म देयर, ही डैश ए बुक, इज रीडिंग, वॉज रीडिंग, हैड बीन रीडिंग, माइट रीड। तो वेन के बाद सेकेंड फॉर्म अगर फिक्र के पहले हिस्से में हो तो आगे आप पास्ट कंटिन्यूस यूज करेंगे, यानी वाज वर्ब के साथ आई एन जी वाली फॉर्म। पास्ट का तीसरा टेंस पास्ट परफेक्ट, इसमें बिफोर से पहले हैड और थर्ड फॉर्म यूज की जाती है और बिफोर के बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। पेपर में आपको वो बिफोर से पहले वाला हिस्सा दे देंगे या बाद वाला एक हिस्सा दिया जाएगा और एक आपने डिस्कवर करना होगा, मालूम करना होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के भी दो ही हिंट हैं, सिंस और फॉर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के करेक्शन में तीन हिंट हैं, लफ्ज़ नेक्स्ट आ जाए, सेंटेंस में टुमारो आ जाए या लफ्ज़ सून आ जाए तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा होगा। करेक्शन की नज़र से फ्यूचर कंटिन्यूस का कोई रूल नहीं बनता। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बाय के बाद अगर फ्यूचर टाइम का जिक्र हो, बाय के बाद अगर आने वाले वक्त का जिक्र हो तो वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट होता है। मसलन बाय 2021 2021 तक, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट वीक, बाय टुमारो, तो ये बाय के बाद आने वाला वक्त अगर आए तो फ्यूचर परफेक्ट होता है। मसलन बाय नेक्स्ट वीक आई डैश यू, और इसके अगर ऑप्शंस पेपर में दिए जाएं, शैल कॉन्टेक्ट, ऑप्शन बी शैल हैव कॉन्टेक्टेड, ऑप्शन बी शैल बी कॉन्टेक्टिंग और ऑप्शन डी कॉन्टेक्टेड। तो बाय के बाद आने वाला वक्त यूज हुआ तो ये फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। इसका आप ऑप्शन देखें जहाँ पे मैंने विल हैव या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज किया वो ऑप्शन इसका दुरुस्त होगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी दो हिंट हैं, सिंस और फॉर।
अगले आने वाले एक लेक्चर में मैं दो तीन चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। एक तो ये कि तीनों टेंसेज में सिंस और फॉर, सिंस फॉर, सिंस फॉर, आखिरकार पता कैसे चलेगा दिया हुआ फकरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का। इस पॉइंट को हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। और एक ज़रा यहाँ पे आइएगा, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला जो हिंट लिखा हुआ वो नेचर है, और प्रेजेंट परफेक्ट का भी जो मैंने पहला इंट लिखा है ये नेवर है। इसको भी आने वाले एक लेक्चर में मैं डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर में पता कैसे चलेगा कि अगर किसी भी में नेवर आ गया तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसका एक फ़र्क होता है। वो आने वाले लेक्चर में मैं डिटेल के साथ आपको बताऊँगा। बाकी बात सिर्फ आपको बता दूँ कि आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले जो कुछ दिनों में, हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके चैप्टर वाइज टेस्ट हमने बनाए हैं, वो अपलोड कर दिए जाएंगे। सब्जेक्टिव हिस्सा भी, ऑब्जेक्टिव हिस्सा भी, वो आप घर बैठे अपने अटेम्प्ट करें और सेंड करें जो ग्रुप में है। और कमेंट्स में अगर आपने कोई चीज़ ज़्यादा डिटेल से पूछनी है, कोई पॉइंट अगर आप समझना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।